अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माई YouTube चैनल। आज एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी मैं बना रही हूँ, पालक गोश्त। ये पालक के पत्ते हैं, मैंने इनकी जो ऊपर की वो जो डंडियाँ सी होती हैं वो मैंने कट कर ली हैं। मैं इनको छुरी से नहीं काटूँगी, इस पालक को मैं सिर्फ ब्लांच करती हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसकी ये डंडियाँ कट करके इनको अच्छी तरह से पानी में वॉश करते हैं, और उसके बाद मैंने पानी को बॉयल किया है। एक बॉयल आता है तो मैंने इसके अंदर जो मैंने ये पालक थी मैंने ये सारी इसमें डाली है, और जस्ट तकरीबन 1 से 2 मिनट्स के लिए इसको मैंने इसके अंदर रखा और देन मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। 700 to 800 ग्राम मटन ये मैंने लिया, ये मैं इसमें डालूँगी। एंड देन ये 2 बिग प्याज हैं, 2 बिग अनियन एंड 1 होल गार्लिक। इन सब चीज़ों को मैं एक साथ डाल के पानी में तकरीबन 2 ग्लास पानी डाल के इसको मैं प्रेशर लगा दूँ, प्रेशर ऑन कर दूँगी। इसमें एक बड़ा टमाटर मैंने कट कर लिया छोटा छोटा सा, ये दालचीनी है, ये 7-8 लौंगे हैं, और ये ज़ीरा है, ये भी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं 2 ग्लास पानी डाल के 2 कप पानी डालकर प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। मैंने इसको ओपन किया है प्रेशर को, तो ये गोश्त जो है बिल्कुल मेरा टेंडर हो गया है। तो जो ये पानी है मैं इसको अंदर ही सुखा लूँगी, और उसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे सारे स्पाइसेस ऐड करके, देन मैं इसके अंदर फिर पालक ऐड करूँगी। इसका सारा पानी ड्राई हो गया, मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। मैं साथ साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँ, ये चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, 1.5 टेबल स्पून। पाकिस्तान का सॉल्ट थोड़ा सा तेज़ होता है, तो आप अपने हिसाब से 1 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा। मेरा यहाँ का सॉल्ट थोड़ा सा लाइट है। हल्दी, देन मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, बाकी ड्राई स्पाइसेस मैंने पहले ऐड कर दिए थे। अब इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि गोश्त की सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। भुनाई करने के बाद फिर तकरीबन 5 to 10 मिनट्स मैं इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगी, एंड देन हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। 10 मिनट्स हो गए इसको भुनाई होते हुए, अब मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी जो मैंने ब्लांच करके ग्राइंड कर ली थी। तो ये मैं अब इसमें ऐड करके इसको हम कुक करेंगे जब तक ऑयल ना ये सेपरेट हो जाए। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे, स्लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी ड्राई आउट हो जाए एंड ये ऑयल भी छोड़ दे। तो 20 मिनट्स, ये आफ्टर 20 मिनट्स इसका पानी भी ड्राई आउट हो गया, ये थोड़ा सा थिक हो गई है, और जो है ये इसने ऑयल भी साइड्स में छोड़ दिया है। तो होप सो कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये डन हो गया, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।